मंथली एक्सपायरी वाले इस हफ्ते में जोरदार एक्शन देखने को मिला। हालांकि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही ट्रेडिंग हुई और तीनों ही दिन करेक्शन के साथ साथ रिकवरी भी देखने को मिली। अब हलचल वाले इस बाजार में खरीदारी के लिए तैयार है हफ्ते की ब्रोकरेज रिपोर्ट। इस बार की ब्रोकरेज रिपोर्ट में हमने आपके लिए 5 ऐसे शेयरों को चुना है जिनकी कंपनियों ने बीते हफ्ते तिमाही नतीजे पेश किए थे। हेलो नमस्ते, मैं हूं तनुजा यादव, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी की राय दी गई है। ये पहला स्टॉक, इस पर ब्रोकरेज कंपनी सीले से जेफरीज और सिटी ने खरीदारी की राय दी है और जो टारगेट प्राइस दिए हैं वो है 1300 रुपये, 1250 रुपये और 1322 रुपये। यह दूसरा स्टॉक, इस पर ब्रोकरेज कंपनी जेफरीज, सिटी और HSBC ने अपनी राय दी है और जो टारगेट प्राइस दिए हैं वो है 1380 रुपये, 1300 रुपये और 1404 रुपये। यह तीसरा स्टॉक, इस पर ब्रोकरेज कंपनी जेफरीज, सिटी और सीएलएस ने अपनी राय दी है और जो टारगेट प्राइस दिए हैं वो है 5325 रुपये, 3800 रुपये और 4964 रुपये। यह चौथा स्टॉक, इस पर ब्रोकरेज कंपनी सिटी और जेफरीज बुलिश हैं और इस पर जो टारगेट प्राइस दिए गए हैं वो है 1480 रुपये और 1450 रुपये। यह पांचवा और आखिरी स्टॉक, इस पर ब्रोकरेज कंपनी जेफरीज, नोमूरा और मॉर्गन स्टैनली ने अपनी राय दी है और जो टारगेट प्राइस दिए हैं वो है 9000 रुपये, 8897 रुपये और 8082 रुपये। इस बार की ब्रोकरेज रिपोर्ट में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए स्टॉक्स नई ब्रोकरेज रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।